सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं नए सब्जेक्ट पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे थे, इंक्वायरी आ रही थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये नया वीडियो लेकर आया हूँ, गोल्ड प्लेटिंग के बारे में। ओरिजिनल गोल्ड प्लेटिंग, जिसको हम जीपीसी गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेन क्या होता है, कंपनी के बहुत से प्रोप्राइटरी केमिकल्स होते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केमिकल बनाने वाली हैं और गोल्ड प्लेटिंग के केमिकल बनाती हैं। भाइयों, गोल्ड प्लेटिंग में जो बेसिक केमिकल होते हैं, उन केमिकलों को कंपनियां पी और सी के नाम से भेजती हैं, साल्ट पी और साल्ट सी। और इसके अलावा इसमें गोल्ड पोटेशियम साइड जीपीसी डलता है, जिस इन तीनों केमिकल से इलेक्ट्रोलाइट तैयार होता है। तो पी और सी तो सभी जानते हैं, मेन सब्जेक्ट है, मेन मुद्दा है कि पी और सी ये होता है, क्योंकि इसमें दो बेसिक केमिकलों के नाम मैं आपको बताऊंगा। आप ये कहीं भी नोट कर सकते हैं, आप एक छोटा सा ट्रायल करने के लिए, आप कोई भी छोटी सी अगर कोई ट्रायल करना चाहते हैं, किसी पे गोल्ड करना चाहते हैं, तो हम ये किट भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारी छोटी सी किट होती है, उसकी एक अलग अलग प्लेटिंग की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो वो आप ट्रायल कर सकते हैं। ये किट अलग अलग प्लेटिंग की, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनका अपना कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अपना स्कूल में सबमिट करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसमें हम अभी गोल्ड प्लेटिंग के बारे में बता रहे हैं। गोल्ड प्लेटिंग में केमिकल का जो बेसिक नाम है वो है डाई पोटेशियम हाइड्रोजन ऑर्थो फॉस्फेट। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, आप नोट कर लें, डाई पोटेशियम हाइड्रोजन ऑर्थो फॉस्फेट। इसकी मात्रा हम लेते हैं 30 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर पानी में 30 ग्राम डालें। दूसरा केमिकल है ट्राई सोडियम साइट्रेट। एक बार फिर रिपीट करूंगा, ट्राई सोडियम साइट्रेट, इसको हम 15 ग्राम पर लीटर लेते हैं और पानी में डिसॉल्व कर देंगे। डिस्टिल वाटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, रिजल्ट बढ़िया आएंगे, क्योंकि पीसीएस प्लेटिंग है, महंगी। आप आसपास में आपके साइंटिफिक केमिकल्स वाले होंगे या कॉमर्शियल केमिकल्स वाले होंगे, उनसे इन केमिकलों के बारे में पता कर सकते हैं। आप आधा किलो की पैकिंग में भी केमिकल आता है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें कि हमें टोटल किट चाहिए, टोटल केमिकल चाहिए, तो वो हमारे यहाँ से टोटल केमिकल आते हैं। पूरी किट आती है, पूरा पैकेट बना हुआ आता है, उसमें 1 लीटर से किट चाहिए, 2 लीटर की चाहिए, वो पूरा पानी आप बना के ट्राई करें। इसके अलावा होता है गोल्ड पोटेशियम साइनाइड जीपीसी, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आप 1 ग्राम जीपीसी ले सकते हैं, 1 ग्राम जीपीसी में लगभग 680 मिलीग्राम गोल्ड होता है। गोल्ड का रेट आप जान ही रहे हैं आज का, उसी के हिसाब से मिलेगा। पी और सी, जो मैंने अभी केमिकल के नाम बताए, दोनों केमिकलों को मिक्स करके जो पानी है 50 डिग्री गर्म कर लेंगे। 50 डिग्री गर्म करने के बाद दोनों केमिकलों को उसमें डालेंगे, पहले ऑर्थो फॉस्फेट डालेंगे, इसके बाद साइट्रेट डालेंगे। जब 50 डिग्री पानी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो जीपीसी होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट पानी तैयार हो गया गोल्ड प्लेटिंग के लिए।
इसके बाद जिस पीस पे भी हमें गोल्ड प्लेटिंग करनी है उस पीस के ऊपर हम इस केमिकल से गोल्ड प्लेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें रेक्टिफायर रिक्वायर्ड होगा, डीसी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर गोल्ड प्लेटिंग के लिए अच्छा लेना पड़ेगा, जिसमें मिली एम्पियर एम्पियर से लेकर मिली एम्पियर तक से होने चाहिए और वोल्टेज 0.5 से शो करना चाहिए, क्योंकि पीसेस प्लेटिंग है, वोल्टेज ज़्यादा रहेंगे तो गोल्ड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी और जितना भी उसके अंदर गोल्ड है वो एक या दो पीसों पे ही डिपॉजिट हो जाएगा और इस तरह से आप काम नहीं कर पाएंगे और लॉस आपका होगा। तो आपको रेक्टिफायर लेना है। रेक्टिफायर की अलग अलग कॉस्ट होती हैं, अलग मेक के आते हैं, लोकल लोग भी बनाते हैं, उससे भी आप बनवा सकते हैं, बट उनको यही कहें कि हमें वोल्टेज और एम्पियर दोनों में मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स अगर रेक्टिफायर हमारे 5 वोल्ट का भी होगा तो चलेगा, 10 वोल्ट का होगा तो भी चलेगा, बट हमें जो ये शो करेगा वो 1 वोल्ट को 10 से डिवाइड करें, अगर डिजिटल होगा सही, जैसे 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, ओके। इसी तरह एम्पियर है, मिली एम्पियर से शो करेगा एम्पियर को, तो हमें पता लगेगा कि हम कम वोल्टेज पे कितना हम चला रहे हैं, क्योंकि जो मिली एम्पियर है ये एम्पियर है, उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना वोल्ट केमिकल में से पीस के ऊपर डिपेंड है। मिली एम्पियर अगर हमें पता है और टाइमिंग हमें पता है तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि पानी में से हमारा कितना वोल्ट पीस के ऊपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, तो वो कैलकुलेशन ज़रूरी है। और उस पीस में इस कंडीशन में हम इस बाथ में जो हम एनोड लगाएंगे, एनोड लगाते हैं SS316 स्टील का ग्रेड है SS316। तो जितना बड़ा आप बीकर लेंगे या जितना बड़ा आप टैंक लेंगे या जितनी बड़ी आप बकेट लेंगे उसके हिसाब से आप एनोड उसमें लगा सकते हैं। और एनोड का भी अपना कैलकुलेट होता है कि जितना बड़ा पीस कर रहे हैं उसका लगभग दोगुना सरफेस एरिया एनोड का होना चाहिए, मतलब उससे दोगुना, जैसे सपोज 1 इंच का, 1 इंच बाई 1 इंच का हम पीस प्लेटिंग कर रहे हैं गोल्ड में, तो 2 बाई 2 इंच का हमारा एनोड का टुकड़ा होना चाहिए, एनोड का पीस होना चाहिए जो हमें करंट होगा। और हम इसमें जब स्टार्ट करेंगे तो वोल्टेज को ना देख करके हम एम्पियर देखेंगे, हम इतना एम्पियर दे रहे हैं और कितनी देर में कितना गोल्ड डिपॉजिट होगा, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। फिलहाल आप ट्रायल इससे कर सकते हैं, जब आप उसमें पीस डालेंगे तो 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 10 सेकंड में, 25 सेकंड में पीस को निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको डिजायर्ड कलर आ जाता है तो आप निकाल लें और पीस रोके। इसके बाद में पीस को आप डिस्टिल वाटर में ही सारी धुलाई करें, क्वालिटी अच्छी रहेगी। एक डिस्टिल वाटर की पहले धुलाई करें, उसको सेफ रखें, क्योंकि उस पानी को हमें रिवर्स गोल्ड में यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा गोल्ड चला जाता है पानी के थ्रू। इसके बाद डिस्टिल वाटर की फिर धुलाई करें एंड देन आप तो गर्म पानी की धुलाई करें, वो गर्म पानी भी 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वाटर स्पॉट पीस के ऊपर सूख जाते हैं, फिर वो निशान बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो वो 80 डिग्री तक आप गर्म करें, उसमें पीस को छोड़ने लगाएं और बाद में आप हवा में उसको डालें, या एक सॉफ्ट पेपर आता है, वाइट पेपर, उसमें आप इसको रखें और उसको सुखा दें, तो ये आपका गोल्ड हो गया। अब गोल्ड करने से पहले, क्योंकि गोल्ड की अपनी कोई बहुत ज़्यादा चमक होती नहीं है, गोल्ड करने से पहले हमें क्या करना है, वो हमें निकल प्लेटिंग करनी है। तो निकल प्लेटिंग का प्रोसीजर में एक दूसरी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप मेरे ही चैनल पे एक दूसरी वीडियो है, तो आप देख सकते हैं निकल प्लेटिंग कैसे करते हैं। और निकल प्लेटिंग की भी अगर आपको किट चाहिए तो किट मिल जाएगी, आप उसमें 2 लीटर पानी बना सकते हैं। ये किट करीब 1500 रुपये के आसपास की बैठती है 2 लीटर पानी की, क्योंकि इसमें हम जो ब्राइटनेस वगैरह देते हैं वो 1-1 लीटर कंपनी की पैकिंग जैसे आती है एच इट देते हैं। और इसमें हम एनोड का टुकड़ा नहीं देते, एनोड का टुकड़ा, एनोड अगर हम देंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एनोड इस समय करीब 2200-2250 रुपये किलो निकल का एनोड है।
तो वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी वीडियो से आप लाभ उठा सकते हैं, मार्केट में आप मुझसे फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मार्केट में अगर ये केमिकल आपके पास कहीं अवेलेबल है तो वहाँ से लेकर और आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे भी गाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। मेरा मकसद किसी भी केमिकल को अपने दुकान से, अपने ऑफिस से बेचना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से लोग लाभ उठाएं, और जो भी लोग नई प्लेटिंग का कोई भी प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं वो शुरू करें, जिससे इस काम में लोग मजबूत हों, प्रोफेशनल हों, बढ़िया काम करें। और कोई भी केमिकल जब आप परचेज करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का लें। बार बार मैं यही बोलता हूँ, कोई भी केमिकल घटिया क्वालिटी का ना लें। मुझे क्या है कि केमिकल से ही क्वालिटी बनती है जो प्रोसेस हम चलाते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केमिकल्स बनाने वाली बहुत कंपनियाँ हैं, उनकी रेटिंग देखें, या कोई प्लेटिंग करने वाला है उससे जानकारी लें कौन सी कंपनी बढ़िया केमिकल दे रही है, किस प्रोसेस का बढ़िया केमिकल है, किस कंपनी का। क्योंकि हर कंपनी का, हर प्रोसेस का केमिकल बढ़िया नहीं है, तो आप डिसाइड करें, आप मार्केट का सर्वे करें, आप देखें कि कौन सी कंपनी का कौन सा केमिकल बढ़िया है। अक्सर मैं देखता हूँ कि अगर कोई यूजर है तो वो क्या कहता है, मैं तो इस कंपनी के केमिकल यूज करता हूँ, तो ये प्रोसीजर गलत है। हर कंपनी का हर केमिकल बढ़िया नहीं होता है। तो मेरी राय ये है कि जिस कंपनी का जो केमिकल बेस्ट हो वो केमिकल आप यूज करें और अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें। ओके, धन्यवाद।